हे गाइस जय वेलकम अगेन इन टेकी शर्मा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उसके कौन कौन से एरिया हैं, डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसा है, डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी कैसा है और आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में काम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन अपने डिवाइसेस पे पाएंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक वे है मार्केटिंग करने का थ्रू डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया मीन्स सोशल मीडिया, गूगल, हॉटस्टार, टिकटॉक, ये सारे डिजिटल मीडिया हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो गाइस अब आगे बात करेंगे इसमें कौन कौन से एरिया हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के एरिया की हम बात करें तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरिया आपको बताऊंगा जिसमें हाई पेइंग जॉब है। आप इसमें से एक में भी आप अगर परफेक्ट हो गए तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो, क्योंकि ये भी ट्रेंडिंग फील्ड में है। तो आप इसमें से एक भी में आप परफेक्ट होते हो तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो भाई चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में जिसमें हम जा सकते हैं। पहला है कंटेंट मार्केटिंग। गाइस कंटेंट मार्केटिंग के बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे, आप इस वीडियो को फॉलो करते रहें, इस वीडियो सीरीज को फॉलो करते रहें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड एरिया जो इसका है या फील्ड है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मीन्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सारे सोशल मीडिया हैं। थर्ड जो इसका है एरिया या फील्ड वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप इसमें भी परफेक्ट हो जाते हैं, अगर आप अच्छे से कैंपेन रन करते हैं, आपकी कैंपेन रन करने की स्ट्रेटजी अच्छी है तो आप इसमें बहुत पैसे कमा सकते हैं। चौथा जो है वो ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हम मार्केटिंग करते हैं ईमेल के थ्रू। आप देखते होंगे आपको प्रमोशनल ईमेल आते होंगे, उसी को हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। इसमें जो अगला एरिया है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर आप इसमें अच्छे से कर लेते हो तो सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ही है और इसकी बहुत जॉब्स हैं इंडिया में। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, जो आपको एज ए SEO रिक्रूट करती हैं कंपनी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया SEO है। उसके बाद आता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग भी इसका एक इम्पोर्टेंट एरिया है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज ये इम्पोर्टेंट एरिया थे डिजिटल मार्केटिंग के। उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन कर सकता है। आप 10th पास हैं, आप 12th पास हैं, या आप BTech कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप बायोलॉजी से हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं चाहिए, तो आप आराम से, आप कोई भी फील्ड में हो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम गाइड बात करेंगे करियर कैसा है इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैं आपको बता दूं इसका करियर बहुत शानदार है। इंडिया में इतना अच्छा करियर है कि आप बहुत पैसे कमा सकते हो। आप जो है एज ए फ्रीलांसर भी काम, अगर आप कंपनी में जाकर इंटर्नशिप लगा के आप एक्सपीरियंस अगर ले लेते हो तो आप इसमें एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसकी, आप इसमें काम करने के पर आवर के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। तो करियर बहुत झकास है इसका, आप इसमें बिल्कुल जाएं। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं इसमें। इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी फ्रेशर्स की बात करें तो 20-25,000 आपको मिल जाता है। अगर आप 2-3 साल एक्सपीरियंस हैं तो फिर आपको 50,000-60,000 मिल जाता है। अगर आप 5 साल एवव एक्सपीरियंस आपको है तो आप लाख रुपए भी कमा सकते हो, और आप 10 साल एक्सपीरियंस से आप 2-3 लाख भी कमा सकते हो। तो आप जितना एक्सपीरियंसड होते जाओगे उतनी सैलरी इसमें आपकी बढ़ती जाएगी, सैलरी भी अच्छी है इसकी। उसके बाद बात करते हैं कि आप इस प्रोफाइल में कैसे काम कर सकते हो। गाइस डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में या तो आप पहला जॉब कर सकते हो, दूसरा एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो, मतलब इंडिविजुअली काम कर सकते हो, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे, उसी को फ्रीलांसर्स कहते हैं। इंडिविजुअली काम करना को फ्रीलांसर्स कहते हैं।
तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, आप फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंडिया से तो कई ज़्यादा है। तो आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो इसमें। गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस। एक बार फिर, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू गाइस।